I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल विद मी। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। और आज मैं बहुत दिनों बाद में व्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी कुछ दिनों पहले दो हेयर केयर के वीडियोस अपलोड किए थे मैंने, आई होप आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए, काफ़ी अच्छी रेमेडीज़ हैं वो। और मॉर्निंग का टाइम नहीं है, एक्चुअली आफ्टरनून हो चुकी है और बज रहे हैं अभी 12:30 और खाना खाने की प्रिपरेशन हो रही है। मतलब मैंने सब्जी बना के रख दी है और चपाती बनानी है, तो सर्दियों का भी टाइम है तो चपाती जो है कुछ अलग बनती हैं, बाजरे की, मक्के की या फिर कुछ और अलग तरीके की रोटियां मैं बनाना पसंद करती हूँ। सभी लोग इस तरीके की सुबह के टाइम खाते हैं, मॉर्निंग में मतलब जब लंच का टाइम होता है ना उसी टाइम पे ऐसी जो चपाती होती है ना वो खाते हैं। शाम के टाइम मतलब इवनिंग में जब डिनर लेते हैं हम लोग तो कुछ हल्का खाते हैं। और ये रहा मेरा छोटू नूवी, ये छोटू नूवी और सेकंड टाइम का नाप ले लिया है ना, सेकंड टाइम का नाप ले लिया है नूवी चिंग ने। हाँ, नूवी चिंग ने सेकंड टाइम का नाप ले लिया है। और नूवी चिंग ने सेकंड टाइम का नाप ले लिया। ये जो शीटी शीटी बॉय है ये हमेशा गोदू चाहिए इसको, गुड्डू गुड्डू हो गया ये है, गोदी गोदी चाहिए इसको, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करने देता है। तो इसीलिए मैंने काफ़ी टाइम से जो वीडियोस हैं वो शूट नहीं कर पाती थी, क्योंकि ये बहुत इरिटेट हो जाता था और शूट नहीं करने देता था, एडिटिंग नहीं करने देता था। अभी भी अच्छा यही है लेकिन अभी छोरा समझदार हो गया है, तो इसलिए बहुत टाइम हो गया था तो सोचा कि अब इतना गैप करना ठीक नहीं है, तो चलो वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो, मैं बता रही थी कि जो चपाती है वो बनानी अभी बाकी है, तो आज मैं बना रही हूँ पालक की चपाती फर्स्ट और बनाऊंगी शायद मक्के की। अगर पूछती हूँ अगर मक्के की खाएंगे तो मक्के की, या फिर अगर बाजरे की खाएंगे तो फिर बाजरे की रोटी बनाऊंगी। सो, ये है, तो चलिए बनाते हैं चपाती। 1 बजे 1:15 बजे तक सब लोग लंच कर लेते हैं, क्योंकि अभी नूवी वेदांत की वो क्लासेस चल रही हैं तो वो 1 बजे ऑलमोस्ट फ्री होगा। उसके बाद गर्मा गर्म चपाती बनाएंगे, सब्जी बनी हुई है तो गर्मा गर्म बनाएंगे चपाती और करते हैं अपना लंच, और उसके बाद आपसे बात करती जी। ये लग गया है मक्के का आटा, ये मक्के का आटा है और ये बन गई है पालक की चपाती बनेंगी और मक्के की रोटियां बनेंगी। सो, ये दो आज चपाती बनेंगी। See in front of me, my enemies. I tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly. सारी गंदगी फैला के गए हैं बाथरूम में, पूरा बाथरूम गंदा करके गए हैं और ये अभी मुझे दोबारा क्लीन करना है, सब कुछ बिखेर के गए हैं। लुक, ये लग चुका है गीजर, ये थर्ड गीजर है एक्चुअली, पहले के बाथरूम में लगा हुआ है लेकिन बाकी के, ये वाला जो बाथरूम था इसके अंदर
गीज़र नहीं लगा हुआ था और किचन में नहीं लगा हुआ था। सो ये है, तो अभी ये सारा का सारा मुझे क्लीन करना है। सब कुछ फैला के गए हैं, पूरा गंदा बाथरूम करके गए हैं। सो चलिए अब करते हैं सफाई थोड़ी सी। हो गई है अब बाथरूम की सफाई और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अभी मशीन में कपड़े धुल के एक घंटा हो गया है रखे हुए, सुखाए नहीं हैं क्योंकि गीज़र इंस्टॉल करने वाले आ गए थे और इनकी मीटिंग चल रही थी, तो मुझे ही खड़े रहना पड़ा वहाँ पे और वो सब कुछ गंदा करके गए। फिर नू भी इधर से उधर घूमता, तो पहले सोचा कि सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद मैं कपड़े सुखाऊंगी। खाना खा के बस फ्री हुई थी और वो लोग आ गए। सो ये है और हो चुका है, अभी खाना हो चुका है और इंस्टॉलेशन का काम भी फ्री हो चुका है और सफाई हो चुकी है। अब कपड़े सुखाने हैं और बज रहे हैं 3:45, 3:45 बज चुके हैं और अभी तक मैंने कपड़े नहीं सुखाए हैं। सो अभी फटाफट से कपड़े सुखाने हैं, उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. So, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और बच चुके हैं अभी 3:15 और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। वैसे भी 2 तो बज ही जाते हैं मुझे क्योंकि सर्दियों का टाइम है, तो लेट काम स्टार्ट होता है, फिर ब्रेकफास्ट से लेके लंच की तैयारी करो, बच्चों को नहलाना, मतलब छोटे वाले को तो नहलाना पड़ता ही है, और फिर खुद का भी, और इतना सारा काम करने के बाद में, डस्टिंग वगैरह करने के बाद में फिर खाना सबके लिए गर्म गर्म बनता है क्योंकि सर्दियों का टाइम है, ठंडा खाना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। चपाती तो गर्म गर्म सेकनी पड़ती है, तो जब जो खाता है तो फटाफट फटाफट वो सेकनी पड़ती है। सो इसलिए 2 तो बज ही जाते हैं मुझे। और अगर आप मक्के की या फिर बाजरे की रोटी सेक रहे हैं, बना रहे हैं, तो फिर तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसको अच्छी तरह से सेकने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। गेहूँ की रोटी तो फटाफट से बन जाती है। सो ये है, और अब 1 घंटे का कम से कम मैं रेस्ट करूँगी। 1 घंटे का भी नहीं हो पाएगा, 3:15 बज रहे हैं तो 4 बजे तक फिर चाय वगैरह का टाइम हो जाता है, और तो उसके लिए उठना पड़ेगा। तो फटाफट से जल्दी से रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। सो ये था मेरा आज का छोटू सा व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल से सब्सक्राइब करना है चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Through the wastelands, through the highways, till my shadow.